राजा, गाड़ी क्यों रुकती? देखो रीटा डार्लिंग, इंजन बहुत गर्म हो गया है, तुम्हें भी नींद आ रही है और मैं भी गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूं। चुना, रात यहीं गुजार ले। यहां तो कब्रिस्तान है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। क्या रात इस जंगल में गुजारेंगे? जंगल नहीं है रीटा डार्लिंग, वो देखो सामने पुरानी हवेली। वैसे सुना है बरसों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात गुजारने के लिए बुरी जगह नहीं है। प्लीज डार्लिंग, सिर्फ आज की रात। ना बाबा ना, मैं इस भूतिया हवेली में नहीं जाऊंगी, मुझे तो बाहर से ही देख के डर लग रहा है। डरपोक कहीं की। ठीक है बाबा, हम हवेली नहीं जाएंगे, इसके आसपास कुछ खंडर है, वहीं जाकर रात गुजार लेंगे। चलो ना। लेकिन कल सुबह हमें किसी भी हालत में शहर पहुंचना है। डार्लिंग, सुबह होने में भी बहुत देर है, कम ऑन, जब मूड हुआ करे इनकार मत किया करो। बदमाश कहेंगे।
लवली, ये उसी हवेली की तस्वीरें हैं जिसे आप लोग खरीदना चाहते हैं और मैं बेचना चाहता हूँ। लेकिन आप ये हवेली क्यों बेचना चाहते हैं? मिसेस कुमार, दरअसल बात ये है, मेरी कोई औलाद नहीं अच्छा। इस हवेली का और मेरा कोई वारिस नहीं। राणा साहब, दरअसल आपकी और हमारी कहानी तकरीबन एक जैसी ही है। हम भी अभी तक औलाद की खुशी से महरूम हैं। अंकल, अरे आओ बेटी, आओ आ जाओ। अरे रुक क्यों गई, आओ आओ अंदर आओ, इनसे मिलो। ये अनीता है राणा साहब, कहने को तो हमारे भाई की बेटी है लेकिन हमें हमारी जान से भी ज्यादा अजीज है। भैया और भाभी का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, बचपन से ही हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये जायदाद दौलत सभी कुछ इसी का है। और अनीता बेटी, आज हम तुम्हारे लिए एक हवेली भी खरीदने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये हवेली जरूर पसंद आएगी। हवेली के दो तरफ तो दरिया है, एक तरफ जंगल और एक तरफ पहाड़। हाँ तो राणा साहब, एटलीस्ट वन थिंग वी हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल, बाकी रही कागजी कार्रवाई वो तो चलती ही रहेगी। अनीता बेटी, तुम इस चेक पर साइन कर दो। शाबाश। कितने रुपए भर दूं? तुम साइन कर दो सिर्फ, सौदा तय होने पर रकम हम खुद ही भर लेंगे। अच्छे काम की शुरुआत शुभ हाथों से होनी चाहिए। शाबाश बेटी, शाबाश।
तो कब आ रहे हैं आप लोग हवेली देखने? क्यों सीमा, कल ही चले? आपको अकेले जाना होगा डार्लिंग, मैं तो नहीं जाऊंगी, वरना अनीता बिल्कुल अकेली हो जाएगी। जैसे आपकी मर्जी, मैं अपने नौकर शंकर को आज ही हवेली रवाना कर देता हूँ, ताकि हम लोगों से पहुंचने से पहले हवेली की साफ सफाई हो जाए। ये बेहतर है भाई। देखो हवेली पहुंचते ही खत लिख देना। हाँ। दीदी। अरे छोटे, बैंक से पैसे निकाल ले। हाँ, लो गिन लो, पूरे 50 लाख रुपए। लेकिन दीदी, जीजा जी की एक बात समझ में नहीं आई, हवेली देखी तक नहीं और 50 लाख में सौदा पक्का कर लिया।
साले साहब, ये सौदा समझने के लिए आपको 50 साल लगेंगे। बरखुरदार हवेली तो मैंने खरीदी है 25 लाख की, और 25 लाख का तेरी दीदी के लिए हीरों का हार बनाऊंगा। ओह यस सर, स्वीट, कितने अकलमंद हैं आप। अरे थोड़ी सी अकल इस बुद्धू को भी दे दो। अगर अनीता को तुम शीशे में उतार लो और उससे शादी कर लो तो ये छोटे मोटे चेक साइन कराने से हम बच जाएंगे। अरे घबराओ मत दीदी, जरा मौका तो मिलने दो, लोहा गरम होते ही हथौड़ा मार दूंगा। अरे बरखुरदार, कहीं ऐसा ना हो कि लोहा ठंडा हो जाए और तुम हथौड़ा लिए घूमते रहो। आपने ठीक कहा था राणा साहब, खूबसूरत जगह है। आपका नौकर नहीं दिखाई दिया? वो यहीं कहीं होगा, आइए बंदर आइए प्लीज। शंकर, शंकर अंदर तो नहीं है, कहीं बाहर गया होगा। ये झाड़ू वगैरह तो यहीं पड़ी हुई है। इस लालायक की शराब पीने की बहुत खराब आदत, पी कर पड़ा होगा सड़क पर कहीं। आने दो, दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। कोई बात नहीं राणा साहब, सफाई हम करवा देंगे। चलिए आइए। गुड, वेरी गुड, वाह भाई राणा साहब, ये हवेली तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ये क्या फीस है भाई, इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए था। वाह मजा आ गया। सुपर्ब, आप बहुत लकी हैं कुमार साहब जो ये हवेली खरीद रहे हैं। भाई सो तो है राणा साहब, अगर हमारा बस चले तो इस पुरानी हवेली का एक नायाब म्यूजियम बना दे।
हाय अनीता, क्लब जा रही हो? मैं भी चलूं? मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आजकल तेरी गाड़ी कौन चला रहा है। अरे विक्रम, एक हफ्ता हो गया तुम्हारे जीजाजी को गए हुए, ना कोई चिट्ठी है ना कोई खबर। वो खबर तो आती रहेगी, लेकिन तुम्हें कुछ अनीता की खबर है? बहुत पर निकल लिए उसने, गई है क्लब अपने यार से मिलने। क्या बकते हो तुम? ठीक कहता हूं मैं, मुझे आज ही पता चला, बहुत दिनों से वो दोनों छुप छुप के मिलते हैं। वो एक मामूली सा फोटोग्राफर है। ये लो साथ, दो रोल तो मैंने धो दिए और जो धुले हुए थे उसे छाप दिए। धोने और छापने की बात इस तरह से करता है जैसे तू किसी फोटो स्टूडियो में नहीं धोबी घाट में काम करता हो। लेकिन तुम ओहो, 3 साल हो गए, 3 साल में 2 अंग्रेजी के लफ्ज नहीं बोल सका, डेवलपिंग और प्रिंटिंग, पता नहीं कब अकल आएगी। आ गई आ गई, लो तुम्हारी अकल तो आ गई। हाय हाय, जरा स्टूडियो का ख्याल रखना, हम जरा क्लब जा रहे हैं। क्लब okay? नहीं, खंडाला। ओके okay? खंडाला, बाय बाय। वाह उस्ताद वाह, क्या किस्मत पाई है, 5 बजे नहीं और माशुका हाजिर। और एक एक हम है फूटी किस्मत वाले, 3 साल से एक ही काम किए जा रहे हैं, धुलाई छपाई धुलाई छपाई। जगायचं हिथे मरायचं हिथे ह्याच्या शिवाय जायचं कुठे। आता आमची सभा संपली, शुभ रात्री। धुलवाने आए हो क्या छपवाने? क्या बकते हो, इस स्टूडियो का मालिक कहाँ है? स्टूडियो का मालिक तो होने वाली मालकिन के साथ चला गया। इसका मतलब है कि अनीता यहाँ आई थी? हाँ, यहाँ आई भी थी और उस्ताद को लेकर चली भी गई। कहाँ गई? जहाँ तो प्यार करने वाले दिल हिलते हैं, मेरा मतलब है मिलते हैं, जहां मोहब्बत के ईस्टमैन कलर फूल खिलते हैं। लेकिन मेरी जान, तुम क्यों मुरझा गए? मुरझाया मैं नहीं, मुरझाएगा तेरा वो दोस्त। हाँ। उस फोटोग्राफर के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तस्वीर छापना भूल जाएगा। क्यों बुलबुल बहुत चहक रही हो? अरे ये तो इसका यार लगता है यार, क्यों? Thank you.
चलो थैंक यू समझी, ये गुंडे आपने भेजे थे। आपका प्यार एक धोखा है, एक ढोंग है। खबरदार जो तूने अपनी जबान लड़ाई ना मुराद, तेरी शादी होगी ना तो सिर्फ विक्रम से। लेकिन मैं नफरत करती हूँ विक्रम से। ये नफरत तुम्हें महंगी पड़ेगी। इसका बदला तुम्हें सुनील की जान से देना पड़ेगा। तो कौड़ी का फोटोग्राफर हमारे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाले, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और गुंडों को पैसे देकर किसी गरीब की जान लेना बर्दाश्त कर सकती हो? कल मैंने तेरे उस आशिक को बुलाया है, वो यहाँ आएगा और बेइज्जत करके निकाला जाएगा, और ये तमाशा तू अपनी आंखों से खामोशी से देखेगी। मैं अनीता को किसी कीमत पे नहीं भुला सकता। अनीता ठाकुरों की बेटी है और तुम एक दो कौड़ी के आदमी हो। तुमने इस भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। यह हकीकत है, तुम अनीता से नहीं उसकी दौलत से प्यार करते हो। जी नहीं, मैं अनीता से सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार एक धोखा है, फरेब है। तुम हमारे खानदान के काबिल नहीं हो। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन आप अनीता से तो पूछिए। अनीता मासूम है, भोली है, उसकी खामोशी ही उसका फैसला है। माफ कीजिएगा, शायद मैं अपनी औकात भूल गया था। अगर अनीता का भी यही फैसला है तो मैं उसकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। नहीं सुनील, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अनीता मेरे बचपन की सहेली है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो प्यार करती है तो सिर्फ तुमसे। नहीं शोभा, सब गलत है, झूठ है, एक भरम है। अनीता की खामोशी उसकी बेवफाई का सबूत है। सबूत नहीं सुनील, ये मजबूरी है, मजबूरी। और इसमें भी सीमा और विक्रम की चाल है, क्योंकि सीमा चाहती है कि उसकी शादी उसके भाई विक्रम से हो जाए ताकि विक्रम अनीता की सारी जायदाद हड़प कर सके। अनीता को इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है सुनील। हाँ सुनील, आज रात होटल अनारकली में मेरे जन्मदिन की पार्टी है, अनीता भी वहाँ आ रही है और तुमको भी वहाँ आना है। अपना खोया हुआ प्यार तुम्हें पाना है। आता है हर पल वो जमाना।
कुछ भी तो ना भाए, रातों को तड़पू नींद ना आए, तुझको छूने को दिल ये ललचाए, याद आते हैं वो जुल्फों के साए। सुनो तुम जहां भी हो सनम, तुमको मेरी है कसम लौट आना। शम्मा है परवाना ना भुलाना, भूल न जाना। करने वालों को कहा मिलने देता है बेरहम जहां, तोड़ कर जुल्मों की दीवारें आ बसा ले प्यार का जहां। सुनो तुम जहां भी हो सनम, तुमको मेरी है कसम लौट आना। सुनो वो बीता हुआ कल याद आता है हर पल, वो जमाना। मैं हूँ तेरा दीवाना, तू शम्मा मैं परवाना, ना भुलाना भूल जाना। लौट आना ना भुलाना, लौट आना भूल जाना। बेशरम बच्चलन, भरी महफिल में खानदान के माथे पर कलंक लगा दिया, इसे लेकर कल ही पुरानी हवेली चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? अरे तू क्या, तेरे फरिश्ते भी जाएंगे। ये क्या हो रहा है विक्रम? अरे इस कमबख्त को ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी। आखिर क्या कमी है विक्रम में जो ये सुनील पर मर रही है? सीमा जी ठीक कह रही है, मैं विक्रम को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हारे काबिल विक्रम है। कितना हैंडसम है, कितना स्वीट है, आंखें तो देखो डूब जाने को जी चाहता है। नॉट गर्ल मेंशन नॉट। अम्मा इनकी तो बाजुएं तो देखो जैसे दो नंगी तलवारें, और इनकी पीठ जैसे लोहे की दीवार। सीमा जी आप दोनों बाहर जाइए, मैं इस बेवकूफ लड़की को अच्छी तरह समझा दूंगी, ये हवेली जरूर जाएगी। स्मार्ट गर्ल, कम ऑन लेट्स गो। आखिर चक्कर क्या है? ड्रामा है जान मेरी, ड्रामा। हम लोगों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, कॉलेज के सभी लोग जा रहे हैं। हम लोगों के हवेली पहुंचते ही दूसरे दिन सुनील भी वहां आ रहा है। सच 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 यार है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। मजा रहे माफ करना भैया, मैं समझी थी कि कुर्सी खाली है।
औरत है या हथनी है? सारे आए अंजर पंजर ढीले कर दिए मेरे। उस्ताद पीछे से तो चाल देखकर यही लगता है कि बुरके में हथनी नहीं हाथी है। हाथी है? हाँ। शेर खान गाड़ी रोको। ओए खोशे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकवा दिया? ये बुरके में कौन है? ये चांदनी है। हवेली में खाना बनाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं, या तुम बनाओगे? अच्छा तो ये खाना पकाने वाली है। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। चलो मियाँ शेर खान बस चलो, बहुत देर हो रही है। मोहतरमा कॉफी पियेंगी आप? जी नहीं शुक्रिया, मैं कुछ खाऊंगी। वो भी इंतजाम है, ये लो अंडा, खान की घर की मुर्गी का है। माशाल्लाह क्या खाती है। वो लाले की जान क्या चबा चबा के खाती है। वही क्या हुआ, तुम भुदकने क्यों लगी? वही समझ गया, तुम बुरके में हमारे लिए परेशान है। अरे मारो, अरे मुतरमा क्या हुआ? अरे बचाओ बचाओ, अरे झटके झटके झटके। अबे उल्टा पट्टे तू, तेरी यहाँ की हिम्मत कैसे हुई? उल्टा पहन के मुझे उल्लू बना रहा था। अबे चुप है गधे की दुम, पता नहीं कौन सा किना था, बहुत जोर से गाड़ी आई। शेर खान गाड़ी रोको, उधर यहाँ से। मैं सुनील के चमचे को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अरे जा बे, जब इतने सारे बर्तन जा रहे हैं तो चमचा क्यों नहीं जाएगा? ये जाएगा और जरूर जाएगा। हाँ देखा सुना, और वैसे भी मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ। मेरी बॉडी देख। अरे खुशी झगड़ा मत करो, अब आ गया है तो चलने दो, खान इसे अपने साथ रखेगा। रे कितनी खौफनाक हवेली है। बेबी तुम्हारे अंकल को ये भूत बंगला खरीदने की जरूरत क्या थी? अरे ये हवेली तो राम से ब्रदर्स को खरीदनी चाहिए, एक और हॉरर फिल्म बन जाती है ना। वैसे बेबी तुम मेरे साथ रहना, मुझे डर लगे तो। वाह क्या हवेली है, सुपर्ब, गॉर्जियस, फैंटास्टिक, ला ला ला, सुपर्ब। वे खोशे हवेली के दरवाजे पर तो शेर खान की किस्मत जैसा मोटा मोटा ताला लगा हुआ है। कमाल है, अंकल की गाड़ी तो यही खड़ी है और दरवाजे पर ताला है। तो ऐसा करते हैं दरवाजा तोड़ देते हैं, मेरा मतलब है ताला तोड़ देते हैं। देखते हैं। बड़ा मजबूत ताला है गोदरेज का है ना, अकेले तोड़ना चाहता है। ओए खुशे लगता है ये ताला बहुत जंग पकड़ लिया है, अभी हम भी देखते हैं, थोड़ा हम भी जोर लगाते हैं। खान साहब आप जरा आगे आ जाइए प्लीज। अबे बहुत हो गया, चल हट ढक्कन। ढक्कन हमेशा बर्तन पे फिट होता है। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं क्या बोला। आनंद हाँ लगाओ लगाओ। Come on, girls. Come on, come on, come right in, come on. Look there, so beautiful. अरे वाह 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 वाह। ये सब लोग क्या हवेली है? लगता है ये सब जानवर गोली से नहीं बीमारी से मरे हैं। खान साहब आप मेरे पीछे क्या कर रहे हैं? खुशे हमको पीछे रहने का आदत है, इतना बड़ा हवेली में तुमको अकेला डर लगेगा। देखिए खान साहब आप मेरे आगे रहेंगे ना तो मुझे डर जरा कम लगेगा, समझे। Come on boys, come on, come on, come on, follow me. Come on, come on, come on, follow the leader, come on. ओए खुशे लोहे का इतना बड़ा बुत हमने जिंदगी में पहली बार देखा है, माशाल्लाह
ये तो लोहे के कपड़े भी पहने हुए हैं। जी ये लोहे के कपड़े नहीं जनाब, पख्तर है जी। अपने बचाव के लिए सिपाही जिसे लड़ाई में पहना करते थे ताकि कोई आगे और पीछे से हमला न कर सके। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन ए आई हेट सवेली। अरे आनंद कैसा है रे तू? ठीक है रे। गोरे जिंदगी कैसी है हवेली हाय। क्या घुर्रेला बैग ढक्कन? लड़कियों ये क्या आप लोग घोड़े बेचकर सो रही हो? जी आओ चलो कुछ ऐश करते हैं, हंगामा करते हैं। जी क्या हंगामा करने का इरादा है? हंगामा हंगामा नहाने का प्रोग्राम बनाते हैं। बंद कमरे में तो बहुत नहाए, आज खुले में नहाएंगे। चारों तरफ पहाड़ होंगे, ऊपर खुला आसमान होगा और बीच में ठंडा ठंडा बहता पानी, मजा आ जाएगा। खुले में नहाएंगे जैसे राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी नहाई थी। Exactly. और अगर किसी ने देख लिया तो? तो मंदाकिनी की तरह शर्मा जाना। सुन साहिब सुन। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ मैं भी अपनी चड्डी आई मीन कॉस्ट्यूम लेकर आता हूँ। खुशे हम भी तैयार है। ओए, आप कहाँ जाएंगे? इन परियों के बीच में खुशे हम भी नहाएंगे। खान साहब वहाँ मगरमच्छ का कोई काम नहीं। ये लीजिए साबन, आप यही नहाइए। ओके का है, वाकई बड़ा है। ओके ओके है टाटा का साबन, ओके ओके है। भाई खुशे सचमुच बड़ा है। अच्छा अभी चेंज करके आती हूँ। विक्रम वहां मत जाना, लड़कियां नहा रही हैं। यही नजारा तो देखने आए हम। विक्रम तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग नहीं नियत खराब हो गई है आज हमारी। बुलाओ अनीता को। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी अनीता हमारी होने है। विक्रम 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 खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। अगर मेरा मूड खराब हो गया ना तेरी इज्जत का भी कबाड़ा कर दूंगा। चल हट। हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए। बकवास बंद कर, चले जाए यहाँ से, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे डार्लिंग इसमें शर्म की क्या बात है, आखिर तो तुम हमारी हो। शादी के बाद देखें या पहले,
क्या फर्क पड़ता है? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। मुझे तो वो साला सुनील का बच्चा धोबी की औलाद लगता है। क्यों? क्या पटक पटक कर धुलाई की है मेरे यार की। अबे चुप, बिल्कुल सफेद कर दिया है। अबे आहिस्ता कर ना, आहिस्ता कर। अरे दोस्त, तुम तो पहुंच गए अपनी दुनिया में, अब अपन चलते हैं अपने कमरे में। बाय बाय। मुझको यारो यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो तुम रास्ते में कहाँ आ गए हो भाई? देखते नहीं माँ बदौलत अपने कमरे में जा रहे हैं। मुझको यार माफ। क्यों भाई, नाराज हो क्या? हाँ? शराब नहीं दी इसलिए? लो पी लो। तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी बेवड़े से मुलाकात हुई थी? ओके, गुड बाय, गुड नाइट।
कौन कौन है वहाँ? कौन है? नहीं 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 है, इतनी रात गए, कौन हो सकता है? कहीं अंकल तो नहीं आ गए? अंकल? आओ देखते हैं। ये कैसे हुआ? किसने मारा इसे? मुझे लगता है इसने बहुत शराब पी ली होगी और ऊपर से नीचे गिर पड़ा होगा। लेकिन इसे इस तरह किसने लटकाया होगा? Thank you.
अनीता, मुझे ये हवेली अजीब सी लगती है। कल रात मैंने इस हवेली के आसपास एक अजीब और गरीब शख्स को भटकते हुए देखा है। मैंने उसका पीछा भी किया, मगर ताज्जुब की बात तो यह है, ना जाने वो इस हवेली की धुन में कहां खो गया। हो सकता है माइकल का कत्ल उसी ने किया हो। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो परेड, हप सल्यूट कर, हप हो हप, बाय मुड़ेगा, बाय मुड़, हप हो हप, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 हो हप। आहा, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, आहा, वाह 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 वाह, ओ लगता है बांग्लादेश के अकाल में जितने भी जानवर मरे थे उन सब को होलसेल में खरीद कर यहाँ लटका दिया गया है। लवली, ब्यूटीफुल, क्या बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे श्री देवी की आंखें। ओ हो 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 हो, ये तो दारा सिंह लगता है, क्या बड़े बड़े सिंह है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम? भाईजान, आप तो वहां थे, यहां कैसे आ गए? उधर से इधर, क्या बचाओ बचाओ, अरे भूत मरिया, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, अरे भूत मर गया उधर, बचाओ, अनादी आवारा, जाओ सभी, शर्म नहीं आती किसके बेडरूम में ऐसे घुसते हो? हाँ, मैं पूछता हूँ कि मेरी इजाजत के बगैर तुमने माइकल की लाश को क्यों दफन कर दिया? क्योंकि कल रात तुम नशे में धुत थे, हम लोगों ने तुम्हें जगाया, माइकल की मौत की खबर भी दी, लेकिन तुम होश में थे कहां? लेकिन माइकल मरा कैसे? यही तो मैं जानना चाहता कि आखिर माइकल मरा कैसे। जब देखो अपना बिस्तर छोड़ के हमारे बिस्तर पे लेट जाते हो। जनाब मंगू साहब, ये आनंद शादी के बाद ही मिलेगा, शराफत से उठ जाओ वरना। शोभा, शोभा क्या हुआ शोभा? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ शोभा, बताओ क्या हुआ? अंदर कमरे में बिस्तर पर मैंने माइकल की लाश को जिंदा देखा। पागल तो नहीं होगी हो तुम? हमने माइकल की लाश को अपने हाथों से दफनाया है, कभी मुर्दे भी जिंदा होते हैं? मेरे बात पर यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। आओ मेरे साथ, नहीं। मैं तुम्हारा वहम दूर करके रहूंगा, चलो आओ। लाश बिस्तर तो खाली है। लाश इसी बिस्तर पे थी, मैं सच कह रही हूँ। ये देखो कब्र की मिट्टी। शोभा, तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। नहीं अनीता,
जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है उसे धोखा कैसे मान लूं? बिस्तर पे मिट्टी का होना यह साबित करता है कि यहाँ जरूर कुछ हुआ है। सच्चाई को जानने के लिए हमें माइकल की कब्र पे जाना होगा। लाश तो यही है लेकिन इस कब्र को किसने खोदा जरूर है। मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है, तभी किसी ने कब्र से लाश ले जाकर मेरे बिस्तर पर लिटा दी और फिर गायब कर दी। लेकिन ये जलील हरकत कौन कर सकता है? चल पट्टे, छोड़ दे उसे। कमीने, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है तुम? एक गुमनाम मंजिल का भटका हुआ मुसाफिर हूँ। मौत के अंधेरों में जिंदगी के उजाले की तलाश में हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास। ये कब्र तुमने खोदी है? मैं कब्र खोदता नहीं हूँ, मैं कब्र बनाता हूँ। और अब एक एक करके तुम सब की कब्रें यहां बन जाएंगी। मौत का कोई वक्त नहीं होता। चले जाओ यहां से। मैं कहता हूं चले जाओ। क्यों अपनी मौत खरीदने आए हो? बंद करो अपना ये ढोंग। मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। क्यों भटकते हो तुम इस हवेली के आसपास? क्या चाहते हो बोलो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब वक्त देगा। वक्त? अरे बाप रे, ये भाजी तरकारी के चक्कर में मेरा सर और मेरी टांगे दोनों चकरा गए। 5 मील आना और 5 मील वापस जाना। अरे वारे पुरानी हवेली। अरे अरे, 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 अरे क्या हुआ? अरे भाई क्यों भाग रहे हो? अरे अरे भाई, अरे, 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 भाग क्यों रहे? छुप जा मंगू बेटा, छुप जा। कमाल है, बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी। ऐसा लगता है हम दोनों एक ही नेगेटिव के दो प्रिंट्स हैं। मैं काला गंगू हूँ, बहुत ही खतरनाक डाकू हूँ और मैं सामने से नहीं सिर्फ पीछे से वार करता हूँ। खबरदार, जो किसी ने छुपने की कोशिश भी की अपना अपना माल लेकर बाहर आ जाओ। मैं 3 गोलियां चलाऊंगा। जिसको अपनी जान प्यारी है बाहर आ जाए, वरना काला गंगू अंदर आ जाएगा। बिच्छू सिंह, इसमें कितनी गोलियां डाली थी? 3 सरदार। तो फिर तीसरी की आवाज क्यों नहीं आई? तीसरी गोली पानी में भीगी हुई थी सरदार। अंद धूप में सुखा के डालना, वरना मैं तुझे भिगा दूंगा। हाँ सरकार, ये 4 अंडे और ये मुर्गी इसी ने दिए, और इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है सरकार। बिच्छू सिंह, अंडे ले लो, कल सुबह का नाश्ता 4 अंडों का ऑमलेट होगा। लेकिन ये मुर्गी तड़ो क्यों रही है? माई बाप, इसका मुर्गा उधर कमरे में अकेला है। इस मुर्गी को छोड़ दिया जाए। हम दो मोहब्बत करने वाले दिलों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहते। अरे ये तो बड़ा रोमांटिक डाकू लगता है रे। काला कंगू, ये मेरी इकलौती जवान बेटी है। थोड़े से ये देवर मैंने इसके दहेज के लिए इकट्ठे किए हैं। अगर तू इसे भी लूट लेगा तो मेरी बेटी सारी जिंदगी के लिए कुंवारी रह जाएगी। घबरा रहे बुढ़े, मेरे रहते हुए तुम्हारी बेटी कुंवारी नहीं रहेगी। नहीं,
मैं इस दहेज के साथ इसे भी उठा के रखूंगा। अरे मैं इसे जंगल की रानी बना के रखूंगा। डामर सिंह छोड़ दे इस लड़की को। तेरी शादी हो चुकी है रे। लेकिन सरदार मैं रंडवा हो चुका हूँ। तू डाकू है रे डामर सिंह, तेरे पीछे पुलिस डंडा लेकर लगी हुई है। इसे भी रंडवा बनाना चाहता है? नहीं। नानी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, सरदार ने तेरी जान बख्श दी। अरे वाह रहमदिल जल्लाद, वाह वाह वाह। देखा डामर सिंह, भरे गांव में सरदार ने कैसी तेरी इज्जत का फलूदा कर दिया। घबराओ नहीं रंगा, ये ज्यादा दिन सरदार नहीं रहेगा। बादशाह? यस यस सेकंड। ये पत्ता अरे भाई मंगू महाराज, तुम तो अच्छे खासे आदमी बनकर गए थे, ये बंदर बन के कैसे आ गए? बंदर नहीं सिकंदर, मालूम है आज मेरा सामना मशहूर खतरनाक डाकू काला गंगू से हुआ। काला गंगू? हाँ काला गंगू, मेरा हमशकल, यही नाक, यही नक्शा, सर से पांव तक हूबहू मैं। लगता है वो मेरे पिताजी की भूल है। धूल का फूल है, वो मुझ पे झपटा, मैं उसे लपका, मैंने उसे ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि उसकी पतलून ढीली हो गई और वो जाके सीधा आटे के बोरे में घुस गया। मैंने कहा कमजर, अगर तूने फिर से मेरे सामने आने की जरूरत की तो कसम है पैदा करने वाले की मैं उखाड़ के रख दूंगा। तो अंकल की आवाज है। अनीता? क्या वो अनीता, क्या बात है? वो कबड में। कबड में? क्या है कबड में? अंकल की लाश है। क्या अंकल की लाश? हाँ हाँ सुनिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सच कह रही हूँ। आओ मेरे साथ अभी देखते हैं। नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी। अनीता इसमें डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। आओ आओ बाबा आ जाओ, डरो नहीं नीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन सी अलमारी, कहाँ है अलमारी? वहाँ। आओ मेरे साथ। नहीं। आ जाओ। नहीं नहीं सुनी प्लीज, नहीं नहीं। कहाँ है लाश? देखो अलमारी में तो कुछ भी नहीं जाने मन, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। नहीं सुनील,
मेरे यकीन करो, यहाँ लाश थी। जानेमन, वो तुम्हारा कोई वहम होगा। हाँ आओ चले। कम स्वीटहार्ट। जवाब नहीं है तुम्हारा स्वीटहार्ट। लोग सोते में ख्वाब देखते हैं और तुम जागकर सपने देखती हो। कभी तुम्हें लोहे का बुत चलते हुए नजर आता है और कभी अंकल की लाश अलमारी में। अब मैं कैसे तुम्हें अपनी बात का यकीन दिलाऊं? सुनील, तुम मानो या ना मानो, मुझे इस हवेली में जरूर किसी बुरी आत्मा का बसेरा नजर आता है। क्या पागलों की तरह बातें करती हो? आज के दौर में कौन इन बातों पर यकीन करता है? कुछ भी हो सुनील, मैं तो कहती हूँ इस हवेली को फौरन छोड़ देना चाहिए। चलो बॉम्बे लौट चले प्लीज। जी हाँ, बम्बई पहुँचते हमारा सामना तुम्हारी आंटी से होगा। डार्लिंग, कुछ दिन हवेली में और रह लेते हैं, तब तक तुम्हारे अंकल भी आ जाएंगे। अब तुम अपना मूड ठीक करो और डर को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। लड़ाओ, खूब इश्क लड़ाओ। मैं आज ही दीदी को चिट्ठी लिखता हूं। इस घमंडी लड़की की जिद वही आके तोड़ेगी। संगे मर मर सा था उसका बदन, मिलते ही नजर रुक गए कदम। वो हूर थी या अप्सरा या मेरे ख्वाबों की थी वो मेनका। वो पहले पहले मुलाकात थी, भीनी भीनी बरसात थी, नशा सा था हवाओं में लहरों की भी क्या बात थी। वो पहली पहली मुलाकात थी, भीनी भीनी बरसात थी, नशा सा था हवाओं में लहरों की भी क्या बात थी। भीगी भीगी हवाओं में जोश था, ऐसे में कहा किसे होश था, ओ ऐसे में कहा किसे होश था। न जाने मुझे क्या हो गया, मेरा दिल वहीं पे खो गया। तुझसे पहले या तेरे बाद हुआ ना किसी से ना होगा प्यार। न जाने मुझे क्या हो गया, मेरा दिल वहीं पे खो गया। तुझसे पहले या तेरे बाद हुआ ना किसी से ना होगा प्यार। समाए थे हम दो बदन थे एक जान थी, जिंदगी की राह पे थे हम कदम। इतने करीब आए थे हम एक दूजे में समाए थे हम दो बदन थे एक जान थी, जिंदगी की राह पे थे हम कदम।
जाने जाना तेरी आरज़ू, दिल रुबा तेरी जुस्तजू, जीते जी तो ना होगी कम, चाहूंगा तुझे ही मैं हर जन्म। ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरा दिल वहीं पे खो गया, तुझसे पहले या तेरे बाद हुआ ना किसी से, ना होगा प्यार। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी कसम से। जाने मन, जान निकले तुम्हारे दुश्मनों की कसम से। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। जरा देखें तो। अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ कोई ढोल बज रहे हो, कसम से। हट शरीर कहेंगे, कसम से, कसम से। ओ यार, ये गाड़ी रखना भी साला हाथी पालना है, समझ नहीं आता। चाहे कितनी भी मरम्मत कर ले, जरूरत पड़ने पर ये भी काम नहीं आएगी। भाग जा इस हवेली से दूर, वरना मौत यहां तुझे भी निगल लेगी। मैंने अपना सब कुछ इसी हवेली में गवाया है। अबे बुढ़े, तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू शहर जाके किसी अच्छे से अस्पताल में अपने दिमाग का इलाज करवा। मैं यहां का मालिक हूं, मालिक। मालिक हो या नौकर, इस हवेली में रहने वाला हर इंसान मरेगा। ये हवेली नहीं, मौत का घर है, मौत का घर है। एक और, तेरी कब्र भी यहीं खुद जाएगी। अरे दीदी तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये कौन है? अरे ये है कोई पागल, हवेली के आसपास भटकता रहता है। अच्छा तुम्हारे जीजा जी कहाँ हैं? जीजा जी? जीजा जी तो हमें मिले नहीं, जब हम यहाँ आए तो हवेली में तो ताला लगा हुआ था। खैर जीजा जी के बारे में बात छोड़ो, तुमने कुछ सुनील और अनीता के बारे में सोचा है? अरे बात इतनी बढ़ गई है कि मैं, बात यहीं खत्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ आ गई हूं ना, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम यही ठहरो, मैं आती हूँ। आंटी। अनीता डार्लिंग, सुनील, कैसे हो तुम लोग? आप, मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आई हूँ, तुम तो यहाँ आके हमें भूल ही गई। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अनीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक किया है, मुझे माफ कर दो प्लीज। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपने भाई को पहचान न सकी, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि वो नालायक है, कमीना है, वो तुम्हारे काबिल नहीं। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ सुनील से। सच? सच। अब मेरा जल्दी से मुंह मीठा करें और शादी की तारीख पक्की कीजिए। हाँ जरूर, बस अब तुम्हारे अंकल का इंतजार है, पता नहीं कहाँ चले गए,
घर भी नहीं पहुंचे और यहाँ भी नहीं है। समझ में नहीं आता आखिर वो गए कहाँ। आप फिक्र मत कीजिए, अंकल को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज है। अरे आप तो पसीने पसीने हो रही हैं। आखिर बताइए तो सही बात क्या है। ये हवेली मनुज है। मुझे अभी अभी लगा तो खौफनाक हाथ मेरे बिस्तर में से निकलकर मुझे जकड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपने जरूर कोई डराना सपना देखा होगा सीमा जी। मन की बात मेरे मन से न निकली, ऐसे तड़पू मैं जैसे चल पिन मछली। लव टू लव यू बेबी, लव टू लव यू बेबी। अरे बाप रे, काला गंगू डाकू। अरे ये डाकू यहाँ क्या कर रहा है, भागो। लव टू लव यू बेबी। उठिए सरदार, उठिए। चावर सिंह सरदार, ऊपर से नीचे तक आग लगी हुई है और इस आग को हम नदी के ठंडे पानी से बुझाएंगे। सरदार नहा लीजिए। डंडा डाल के देखो कहाँ, पानी में देखो, पानी गहरा तो नहीं। हमें तैरना नहीं आता। आप फिक्र न करें सरदार, आप अगर डूबेंगे तो हम आपको बचा लेंगे। लव टू लव यू बेबी, लव टू लव यू बेबी, पकड़ो। लव लव टू लव यू बेबी। Love to love you, baby. चावर सिंह, पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं होगा, छू कर देखो। अरे डामर, ये तूने क्या किया रे? सरदारों ने अपने सरदार को मार डाला। बेटे मंगू भाग चल, तेरी शक्ल भी सरदार से मिलती है, कहीं तू भी ना मारा जाए। भागो। ये
झामर सिंह, तुम्हारे रास्ते का रोड़ा लुढ़क गया। आज से सरदार तुम हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये झूठ है। मेरा गंगू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मेरा गंगू मुझे छोड़कर नहीं। सच है बिजली, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा, पुलिस की गोली सीधे सरदार के पीठ में लगी और सरदार पानी में लुढ़क गया और बहकर चला गया। अब सरदार का क्या होगा? सरदार भगवान को प्यारा हो गया। हमने सरदार को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पानी के अंदर से भगन बच्चे निकला और सरदार को कच्चा चबा गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे गंगू, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ये सच है बिजली, ये सच है। मैं नहीं मानती गंगू। लगता है सरदारनी पागल हो गई। भाइयों, कान खोल कर सुन लो, आज से तुम लोगों का सरदार मैं हूँ। नए सरदार की जय। डामर सिंह की जय। नए सरदार की सुनील। क्या बात है सीमा जी? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है सुनील। मदद? ये बुड्ढा जो हवेली के आसपास घूमता है ना, ये पागल नहीं कातिल है। कातिल? ये पागलपन का ढोंग करता है। इस नैनीता के अंकल को ना यहाँ तो कहीं बंद कर रखा है या मार डाला है। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। ये आप क्या कह रही हैं? तुम समझते क्यों नहीं सुनील, वो जो कुछ भी है विक्रम मेरा भाई है, उसकी जिंदगी बचाना मेरा फर्ज है। क्या हुआ विक्रम को? वो बुड्ढा है ना, वो उसे ले गया। आधी रात हो गई, अभी तक वापस नहीं आया। अगर उसे कुछ हो गया ना तो। आप फिक्र मत कीजिए सीमा जी, मैं विक्रम को तलाश करूंगा। वो बुड्ढा है ना, अक्सर हवेली के पीछे खंडरों के पास भटकता रहता है, उसने जरूर विक्रम को वहीं छुपा रखा है। मैं भी साथ चलूंगी। आइए आइए मेरे साथ आइए। यहाँ पर सुनील, मुझे लगता है जरूर इस दरवाजे के पीछे वो बुड्ढा रहता होगा, इसने मेरे भाई को यहाँ पर कैद करके रखा होगा। आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। मर जाने दो, हम खंडर का दरवाजा बंद कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो छोटे, जल्दी कर, ये ले जल्दी कर। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का, अरे बोल अनीता बोल, संगम होगा के नहीं। आए कर गया। क्या हुआ विक्रम, क्या हुआ क्या हुआ? अरे तो तुम चिल्ला क्यों
चिल्ला रहा था, हाँ मैं चिल्ला रहा था वो आईने में। उस आईने में क्या है? कुछ नहीं, नहीं। हाँ साहब, समझ में नहीं आता आप मुझे ले कहाँ जा रहे हो, आगे तो घना जंगल है। ओए खुशे लाले दी जान, इसी जंगल में मंगल होएगा। जंगल में मंगल? हाँ खुशे, तुमको मछली पकड़ना है ना? हाँ, बहुत बड़ी मछली पकड़नी है। हम तुमको पकड़वाएगा मछली। हाँ? बड़ा मछली? अरे वाह वाह। मोटा मछली? अच्छा? ताजा मछली? अरे मजा आएगा मजा। अरे अरे ये तो काला गंगू के कपड़े हैं। काला गंगू? हाँ हाँ काला गंगू, वही खौफनाक डाकू जिसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है। गंगू? कौन है? गंगू, गंगू, कहाँ हो तुम गंगू? नहीं, मेरा गंगू मर नहीं सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। किसके लिए? गंगू। गंगू, मुझे मालूम है, मेरा गंगू नहीं मर सकता, मेरा गंगू जिंदा है। देखो बहन, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा काला गंगू नहीं मंगू हूँ, गंगू का हम शक्ल। सुनो, तुम्हारे गंगू को तामर सिंह और उसके साथी ने पीछे से डंडा मारकर नदी में बहा दिया। तामर सिंह! जय महाकाली। तुमने मेरी मांग में खून भर दिया, मैं तुम्हारी नस नस में डाबर भर दूंगी। मंगू! क्या है? अब तुम्हें काला गंगू बनना होगा। काला गंगू? टावर से मुझे मार डालेगा। नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये क्या? चलो ये कपड़े पहनो। ये ओए खुशे लाले की जान, फिकर मत करो, खान तुम्हारे पीछे है। अजीब मुसीबत है, आगे भी खतरा है पीछे भी खतरा। अब तो मुझे काला गंगू बनना ही पड़ेगा रे। अबे डेढ़ फीट ताकत लगा के पैर दबाओ। कितना तो दबाता हूँ और कितना दबाऊं? अबे गंगू के चमचे, साला जबान लड़ाता है। दीदी, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम जानती नहीं मैं यहाँ का सरदार हूँ। अरे चुप्पे कुत्ते, तू कब से सरदार बना? तेरा बाप अभी जिंदा है। क्या? कैसे चला? मेरा सरदार आ गया, सरदार आ गया, सरदार आ गया, सरदार आ गया। किधर से? किधर से? अरे डाबर के बच्चे, देख तेरा बाप आ गया। तुम्हारी मुंह छोटी कैसे हो गई? मूछों को मछलियां खा गई, लेकिन कालिया सांभर दिखाई नहीं देता। ये कौन है? ओए खोशे, हम पठान तुम्हारा मेहमान। तुम्हारा सरदार को मगरमच्छ खींच के ले जा रहा था, हम उसको पीछे से पकड़ कर खींच कर बाहर निकाला। चुप रहो अमिता, सुनील आ जाएगा, रो मत। कुछ पता चला आनंद? नहीं, हमने हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन सुनील का कुछ पता नहीं चला। अगर उसे कहीं दूर जाना होता तो बता कर जाता। रात को तो मेरे सामने वो अपने कमरे में गया था। रो नहीं अनीता, सुनील जरूर वापस आ जाएगा, तुम आराम करो, हम लोग चलते हैं। ओके चलो, बाय बाय बाय। इतनी उदासी अच्छी नहीं होती, उसे भूल जा, वो अब वापस नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। कान खोल के सुन ले, मैंने उसे ऐसी जगह पहुंचाया है जहाँ से वो कभी लौट के नहीं आ सकता। क्या क्या किया है तुमने मेरे सुनील के साथ? बोलो कमीने, क्या किया है तुमने? अब ये आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, तेरी शादी होगी ना तो सिर्फ विक्रम से, समझी?
सुनील को भूल जा, तेरा आशिक अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। कैसे मैं भूला मुझे ये नाटक करते रहना पड़ेगा। हाँ, वहां हवेली में मेरे दोस्त लोग मेरा इंतजार करते करते पागल हो गए होंगे, पागल। और अगर डामर सिंह को पता चल गया कि मैं असली काला गंगू नहीं बल्कि उसका हमशक्ल मंगू हूं, तो वो तो मेरे कपड़े उतार कर मुझे नंगा कर देगा। सुन लिया रंगा, इसकी छोटी मूछ देखकर मुझे पहले ही शक हो गया था कि ये साला असली नहीं नकली है। लेकिन रंगा, तू भी देख ले मैं इसे कैसा तमाशा दिखाता हूं। सुनो सुनो सुनो, घोड़ बंदर के निवासियों सुनो, एक जरूरी ऐलान है। डामर सिंह ने
नहीं नहीं मैं नहीं। अरे रे 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 या ला, लाले की जान को क्या हुआ? इससे पहले कि तू कुर्बानी का बकरा बने, खान का हाथ पकड़ और भाग चल। भागो, अरे भागो यहाँ। खोशे लाले दी जान, हवेली उधर नहीं इधर है। नहीं मैं हवेली नहीं जाऊंगा, मैं सीधा बंबई जाऊंगा। वहां से हम तुमको अकेला नहीं जाने देगा, हम भी तुम्हारे साथ चलेगा। चलो चलो चलो। कौन तुम? काला गंगू। तुम कहीं कुंभ के मेले में बिछड़े हुए मेरे जुड़वा भाई तो नहीं? नहीं, मैं किसी का भाई नहीं, कोई मेरा भाई नहीं। अरे सीमा जी आई नहीं? शेरखान, शेरखान भागो भागो। मंगू मेरे भाई। गंगू तुम जिंदा हो? छोड़ दे मुझे बिजली। आज बरसों के बाद मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिला और वो भी मुझे छोड़ के चला गया। उसे जाने दो, उसे तुम बाद में ढूंढ लेना, पहले अड्डे पर चलो। नहीं बिजली नहीं, मेरा आज पीने का कोई मूड नहीं है। मैं पीने के अड्डे की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी सरदारी खतरे में है, चलो। अरे गंगू, वहाँ डामर सिंह सरदार बन बैठा है। गब्बर सिंह, डामर सिंह, मैं आ रहा हूँ। डामर सिंह, अब मैं तेरा डामर निकाल कर कच्ची सड़कों पर बिछाऊंगा। मत करना, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, हमदर्द हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मेरा यकीन करो। ये आवाज कैसी थी? क्या है इस दरवाजे के नीचे? मैं सब बता दूंगा,
तुम्हें सब कुछ बता दूंगा बेटे, पहले तुम बाहर निकल चलो, मेरे खातिर बाहर निकल चलो। अगर आज तुमने उस क्रॉस को वहां से हटा दिया होता तो हवेली में एक ऐसा मौत का तूफान आ जाता, इस तूफान से बचकर तुम में से कोई भी नहीं जा सकता था। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कह रहा हूं, इस क्रॉस के नीचे दबी हुई वो शैतानी ताकत है जो बरसों से दफन होकर भी जिंदा है, ये वही शैतानी ताकत है जिसने तुम्हारे साथियों की जान ली। शैतानी ताकत? सब बकवास है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। यकीन तो मैं भी नहीं करता था। ये एक लंबी कहानी है बेटे, जो मेरी बर्बादी से शुरू हुई। आज से लगभग 20 साल पहले एक ऐसी मनहूस रात थी जिसे याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी बीवी को लेकर अस्पताल जा रहा था जो मां बनने वाली थी, लेकिन रास्ते में उसे दर्द शुरू हो गए। एक हवेली को देखकर मैं वहां मदद के लिए पहुंच गया। मौत के दरवाजे पर जिंदगी मांगता है, गो मैन गो। ये हवेली नहीं, शैतान का घर है। ये क्या कह रही हैं आप? हम सच बोलते हैं मैन, ये हवेली मनहूस है। इस हवेली में एक नापाक आत्मा भटकती है। ले जाओ अपनी वाइफ को, ले जाओ यहाँ से। नहीं, इस हवेली में तुम्हारी वाइफ बच्चा नहीं दे सकती। ले जाओ, जाओ, जाओ। नरेन, नरेन। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। मेरी बीवी क्या इस तरह तड़प रही हो? नहीं मानता मैं। ज्योति, 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 चलो मेरे साथ, प्लीज हवेली के अंदर चलो। हमारी बात मानो मैन, हमारी बात मानो, अपने बच्चे को हवेली में पैदा मत करो मैन, मत करो। ज्योति, ले जाओ इसे, उस मनुष्य को। ज्योति, नरेन, ज्योति, नरेन, ज्योति, 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 हम तुमको पहले बोला था मैन, बच्चे को इस मनुष्य हवेली में पैदा मत होने देना, पर तुम हमारा बात नहीं माना। ओह गॉड, आखिर शैतान को चिंता कर ही दिया तुम। इस शैतान को हवेली के पीछे कहीं खंडहरों में बंद कर दो। और जीजस का ये क्रॉस उस दरवाजे पर लगा दो ताकि ये शैतान वहां से कभी निकल ना सके। जाओ जाओ। Thank you.
इस हादसे को गुजरे 20 साल हो गए और 20 साल से मैं इस हवेली के आसपास पागलों की तरह भटक रहा हूं, ताकि जो कहर मेरी बीवी पर टूटा था वो किसी और बेगुनाह की जान न ले ले। लेकिन अगर किसी ने उस कास को दरवाजे से हटा दिया तो शैतान कैद से आजाद हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। पता नहीं तेरे जीजाजी कौन सी दुनिया की सैर करने चले गए हैं, वो होते तो तेरी और अनीता की शादी करके ये किस्सा ही खत्म कर देते। अरे छोटे, किन ख्यालों में खोए हुए हो, कुछ तो बोल। दीदी, मैं सुनील के बारे में सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुत्ता होश में आ गया। होश में आ भी गया तो क्या कर लेगा, तहखाने के बाहर तो निकल नहीं सकता, अंधेरे में घट घट के मर जाएगा। न जाने मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा। जब तक मैं उसकी लाश को अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। क्या तुम तहखाने में फिर जाओगे? तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं सुनील की मौत की खबर लेकर अभी आता हूं। पता नहीं सुनील चला कहां गया, कल से उसका कुछ पता नहीं। तुम कुछ भी कहो महेश, मुझे तो ऐसा लगता है इस हवेली में कुछ ना कुछ जरूर है। पहले माइकल मारा गया,
और अब सुनील लापता है। शैतानी रूह का साया है, हम इसे फौरन छोड़कर भागना होगा। चलो चलो इधर से, चलो नीचे वाले कमरे में से बाहर जाने का रास्ता है। कम ऑन, बी क्विक। चलो सब बस के अंदर बैठो, कम ऑन हरिया, चलो जल्दी करो।
क्या हुआ? Thank you.
Yeah.